देखिए दोस्त, हमारा आग अब जल चुका है, तवे भी गरम हो चुके हैं। अब हम ओल की सब्जी बनाते हैं। हम इसमें तेल ऐड कर देते हैं, ये गरम हो जाएगी, फिर हम ओल को फ्राई कर लेंगे। जो ओल मैंने पहले धूप में सुखा के रखा है उसे। चलिए दोस्त, अब हम मसाला पीस लेते हैं। मम्मी इधर देखेगी। चलिए दोस्त, अब तेल गरम हो चुके हैं, उसमें हम जो ओल सुखा के रखे हैं उसे डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। देखिए हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। देखिए दोस्त, हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। इसमें मिर्चा, लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, जीरा, गोलकी सभी मैंने इसमें पीस लिए हैं, सिलपट पे तैयार हो गया है। अब इधर हमारा ओल भुना रहा है। देखिए दोस्त, हमारा ओल फाइनली फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसे हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। चलिए अब आगे बनाते हैं। अब हम तेल में करी पत्ता डाल देते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, एक प्याज। अब हम इसे चलाएंगे, जब तक ये ब्राउन हो जाए तब इसे हम मसाला ऐड करेंगे। हमारा प्याज भुना चुका है। देखिए, गोबर से जो हम लोग गोइठा बनाते हैं, गोबर है ये, सूखकर जलावन के काम में आता है। इसे भी हम जलाते हैं इस तरह से लकड़ी के साथ साथ। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने पहले ही ओल में नमक देकर उसे सुखा लिया था, इसलिए कम नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार। इसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया है पीस के। हमारा मसाला भुना चुका है, अब इसमें हम ओल को ऐड कर देंगे। अब इसे हम 5 मिनट चलाएंगे और भूनेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे, पकने देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पूरा भुना चुके हैं, अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। देखिए दोस्त, ये पक चुके हैं, अब कैसे खौल रहे हैं आप देखिए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं ये ओल की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतना ही टेस्ट लगेगा। देखिए दोस्त, हमारा सब्जी बन चुका है, हम लोग सबके लिए खाना परोस चुके हैं। कैसा लगा मियां ओल का सब्जी? अच्छा। फ्राई करें, ऐसे फ्राई करें। अरे मैं ना करूंगा। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। ओल का मेरे चैनल अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को
प्रेस करें। धन्यवाद धन्यवाद।